विपक्ष की आवाज और सहारा बने सीजीआई चंद्रचूड़। विपक्ष से जुड़े सब फैसलों की खुद कर रहे सुनवाई। मोदी सरकार के छूट रहे पसीने। देश के सर्वोच्च न्यायालय में रोजाना सैकड़ों मामले सुनवाई के लिए याचिका के रूप में दाखिल किए जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजों के बेंच में हजारों मामले पहले से ही पेंडिंग पड़े रहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ चुनिंदा मामलों को अपनी प्राथमिकता में रखते हुए उनकी सुनवाई की और अपना फैसला भी दिया। हालांकि ये सुनकर अच्छा भी लगता है, कुछ गंभीर याचिकाओं और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई सीजीआई स्वयं कर रहे हैं। जिन याचिकाओं को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सुनने वाले हैं, उनमें दिल्ली सरकार का ऑर्डिनेंस मामला, महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे विवाद और मनीष सिसोदिया का मामला भी शामिल है। ऐसे में यहाँ पर यह सवाल भी उठना लाजमी है, आखिर क्यों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अपनी प्राथमिकता में ऐसे ही मामलों को चुनते हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हों, और सीजीआई चंद्रचूड़ इस वक्त देश में विपक्षी पार्टियों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन चुके हैं। हाल के वर्षों में सीजीआई के फैसलों से केंद्र सरकार और न्यायपालिका में बढ़ा टकराव। दरअसल देश में यदि हाल के कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने ऐसे फैसले भी दिए हैं जिस पर कमोवेश विवाद की स्थिति पैदा हुई। जिस तरह से भाजपा नेता नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने अपनी टिप्पणी की थी, उसके बाद काफी हंगामा मचा हुआ था। ऐसे में इसी महीने में जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ दो ऐसे गंभीर मामलों पर सुनवाई करने जा रहे हैं जिसका निर्णय केंद्र सरकार और देश के दो राज्यों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दरअसल इसी महीने की 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ दिल्ली की आप सरकार की ओर से ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर इसी महीने की 31 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना पार्टी के अधिकार को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करेंगे। दरअसल इन दोनों मामलों को सीजीआई ने सुनवाई के लिए खुद ही चुना है। ऐसे में इन दोनों मामलों पर क्या निर्णय आता है उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगे। इस लिहाज से यदि सीजीआई का निर्णय किसी भी पक्ष के विरोध में आता है तो वो सीधे तौर पर उसके निशाने पर रहेंगे, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन जो भी हो, जिस तरह से हाल के वर्षों में भारत के मुख्य न्यायाधीश विभिन्न मामलों की सुनवाई में खुद की तत्परता दिखा रहे हैं, इससे उनकी निष्पक्षता पर तो कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन कहीं न कहीं सीजीआई के सीधे मामलों की सुनवाई से देश में तनाव की स्थिति जरूर पैदा हो रही है, जिसको रोकने के लिए गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। तीस्ता से तलवाड़ के मामले में तेजी, तो फिर अन्य मामले में देरी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने हाल में जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता से तलवाड़ के मामले में सुनवाई के लिए रात के 12 बजे तक की कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा किया, वो काफी सराहनीय है। लेकिन जिस तरह की तेजी सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता से तलवाड़ के केस में दिखाई है, शायद वही तेजी यदि सर्वोच्च न्यायालय ने हजारों लंबित मामलों की सुनवाई में दिखाई होती तो आज हजारों लोगों को न्याय के लिए सालों का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था में कहीं न कहीं खामियां तो जरूर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ज्यादातर मामलों में उदासीनता नहीं दिखाई होती तो आज देश में हजारों मामले पेंडिंग में नहीं पड़े होते। क्या सीजीआई को सुनवाई के लिए स्थानांतरित याचिकाओं के लिए प्रावधान बनाना चाहिए? दरअसल अभी मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली किसी भी याचिका को सीजीआई की ओर से किसी भी जज को स्थानांतरित किया जाता है। इसके अलावा कुछ मामलों को खुद सीजीआई भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक कौन किस याचिका किसी जज की बेंच पर सुनवाई के लिए की जाएगी इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसे में अक्सर याचिकाओं को एक बेंच से दूसरे बेंच पर भी स्थानांतरित कर दिया जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इसी पुरानी परंपरा के चलते बीते कुछ वर्षों में सीजीआई खुद ही ऐसे मामलों को देख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। दरअसल मौजूदा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी हाल ही में कुछ ऐसे मामलों की सुनवाई की है जिसमें उन्होंने कहीं न कहीं केंद्र सरकार और सत्ता पक्ष के प्रतिकूल अपने निर्णय दिए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं सीजीआई के निर्णय से विधायिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति भी हाल के वर्षों में देखने को मिली है।